नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे देख रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, रेडियो जॉकी ये ऐसा एक प्रोफेशन है जिसमें हर कोई करियर करना चाहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बोलने का तरीका बहुत सटीक होता है इसलिए वो उस लाइन में जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बोलने का तरीका सटीक नहीं होता इसलिए वो उस लाइन में नहीं जा सकते। ऐसा लोगों के मन की धारणा है। तो वही धारणाओं को ब्रेक करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने इनवाइट किया है अंकुर श्रीवास्तव सर। अंकुर श्रीवास्तव, इनकी बात करें तो 12 साल से रेडियो जॉकी का काम कर रहे हैं, वो दिल्ली से है। आइए जानते हैं हम रेडियो जॉकी में करियर कैसा करना, आरजे का करियर कैसे करना और उसमें क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं और उसमें जॉब में क्या क्या ग्रोथ होती है। तो अंकुर सर, हम आपका स्वागत करते हैं टैक्स जंक्शन पर। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे तो आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन ये एक फॉर्मल इंटरव्यू है तो इंटरव्यू की तरह ही आगे बातचीत करेंगे। राइट राइट। अंकुर सर को हम बॉलीवुड स्पाई में देखा करते हैं, हम एक साथ काम करते हैं, तो इसी कारण सर ऐसा, अंकुर जी ऐसा बोल रहे हैं। तो अंकुर जी, सबसे पहला मेरा एक बेसिक सवाल है, ये आरजे और वीजे ये दोनों क्या होते हैं? बहुत कंफ्यूजन होता है, मेरे जैसे कॉमनर को बहुत कंफ्यूजन होता है, ये करियर क्या है, आरजे क्या है और वीजे क्या है? जी देखिए, आरजे इज रेडियो जॉकी, वीजे इज वीडियो जॉकी। अब देखिए, दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है। आरजे का काम जनरली होता है कि वो रेडियो पे बोलता है, और जॉकी इसलिए बोलते हैं रेडियो जॉकी क्योंकि उसका एक्चुअली एंकर भी इसीलिए बोलते हैं। एंकर जो होता है ना, कि हुक, जो कुंदा होता है ना, हुक बोलते हैं ना इसको, तो वो एंकर होता है। और एक्चुअली एंकर का काम यही होता है कि वो जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से को बांधे रहे। जैसे कि बीच में एड ब्रेक आते हैं तो गाना खत्म हुआ, आरजे आता है, फिर वो जो एड ब्रेक है वो कैसे ना कैसे आदमी वो भी सुन ले, उसको सुनने के लिए, ताकि वो बना रहे। वो काम होता है एंकर का या आरजे का बेसिकली। ठीक है, और वीजे जो है वीडियो जॉकी, उनका भी काम ये होता है, वो अब क्योंकि वीडियो जुड़ गया है तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि वो दिखने में भी अच्छे हों, प्रेजेंटेबल हों। हालांकि अब तो रेडियो जॉकीज का भी काम ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है जब से डिजिटल फॉर्मेट आया है, जब से यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो अब आरजेस का भी काम सिर्फ रेडियो पे या पीछे बोलने का नहीं बचा है, अब वो भी सामने आने लगे हैं, दिखने लगे हैं। तो अब तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया है, चाहे आप रेडियो जॉकी कह लें चाहे वीडियो जॉकी कह लें, दोनों का काम सेम ही है ऑलमोस्ट, जितना मुझे लगता है। अच्छा। अंकुर जी, दूसरा सवाल मेरा है आपको कि ये आरजे अंकुर ऐसा आप हमेशा आपके नाम के ऊपर लगाते हो, जैसे मैं सीए राकेश ऐसा लगाता हूँ, मुझे पता है कहीं ना कहीं कि ये मेरी प्रोफेशनल डिग्री है, मैं सीए राकेश लगाता हूँ। आरजे अंकुर ये क्या डिग्री होती है, क्या प्रोफेशन होता है, एग्जैक्टली आप लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं? जी देखिए, ये ना, ये हमारा वैसे इंटरनली जोक भी होता है रेडियो जॉकीज का, क्योंकि काफी लोग जो है वो अपने नाम के आगे आरजे नहीं लगाते हैं। आप भी मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे ना, तो प्रोफाइल पे सिर्फ अंकुर लिखा है, यूजर नेम में आरजे अंकुर आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये शुरुआत से, मतलब जब से रेडियो, स्पेशली एफएम रेडियो शुरू हुए, प्राइवेट रेडियो स्टेशन शुरू हुए, तो तब से सबने एक 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 जोड़ लिया अपने नाम के आगे, रेडियो जॉकी अंकुर या रेडियो जॉकी राकेश, इस तरीके से, सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए या बताने के लिए कि मैं रेडियो जॉकी हूँ, सिर्फ इस वजह से। हालांकि काफी लोग जो है वो नहीं भी लिखते हैं, वो सिर्फ अपना नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो ये ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री की वजह से नहीं है, सिर्फ ऐसा है कि एक ट्रेंड शुरू हुआ तो वो अभी तक चला, परंपरा बन गई है कि वो आरजे आगे लगाना है नाम के आगे। लेकिन फिर आरजे बनने के लिए कुछ कोर्स होता है, कुछ क्या एजुकेशन लेना पड़ता है? देखिए, जब प्राइवेट रेडियो स्टेशन शुरू हुए थे तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं कि आपको स्पेशली कुछ पढ़ाई करनी है या कुछ करना है। सिर्फ दो तीन चीजें जो देखी जाती थी वो स्पेशली होती थी कि आपकी भाषा कितनी साफ है, आपका लैंग्वेज पे कितना कमांड है, आप मतलब हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषा बोल लेते हैं। अब रेडियो स्टेशन का क्या होता है कि बहुत लोकल होते हैं, तो जैसे मैं अगर हिंदी स्पीकिंग मार्केट में आ जाऊं तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं हिंदी बोलूं, इंग्लिश भी आजकल जरूरी हो गई है अब। लेकिन अगर कोई साउथ में है या बेंगलोर में है, तो अब बेंगलोर में जरूरी है कि वो थोड़ा सा कन्नड़ भी बोले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लोकल भाषा की बहुत जानकारी होनी चाहिए जिस भी शहर में आप रेडियो जॉकी हैं। दूसरा ये कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो जॉकी का काम जो है वो इस तरीके का है कि वो किसी भी फील्ड में उसको बात करनी पड़ सकती है, उसको स्पोर्ट्स को लेके भी कोई बात करनी पड़ सकती है, उसको बॉलीवुड को लेके भी बात करनी पड़ सकती है, कभी कभी पॉलिटिक्स को लेके भी बात करनी पड़ सकती है, खाने पीने को लेके भी बात, तो हर चीज के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज नहीं भी है तो
पढ़ लिख कर वो नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो बेसिक जो होता है कि नॉलेज अच्छी हो, भाषा पे कमांड हो, प्रोनंसिएशन अच्छे हो, साफ हो, आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले तक ठीक तरीके से पहुंचे और वो समझ भी पाए, आप इस तरीके की भाषा की का इस्तेमाल करें, वो जरूरी हो जाता है। आप जनरली रेडियो जॉकीज को देखेंगे तो वो एकदम बहुत शुद्ध क्लिष्ट हिंदी भी नहीं बोलेंगे, ऐसे भारी भरकम शब्द भी नहीं बोलेंगे जो कि आम भाषा में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो जितना आम भाषा को इस्तेमाल करते हुए अपनी बात पहुंचा सके, वो रेडियो जॉकी का काम होता है बेसिकली। अच्छा, मतलब रेडियो जॉकी होने के लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपकी कमांड होनी चाहिए अपने भाषा पे, आप जो रीजन में रहते हो वो रीजन में आपकी कमांड होनी चाहिए, तब आप रेडियो जॉकी बन सकते हो। लेकिन हाँ, अंकुर इसमें जी मैं ऐसा, ऐड करना चाहूंगा, हालांकि अब आजकल ऐसा हो गया कि आपको मास कम्युनिकेशन के लिए लोग बोलते हैं, प्रेफर करते हैं कि मास कम्युनिकेशन जो बैचलर डिग्री होती है वो कर लीजिए, कई लोग उसमें मास्टर डिग्री भी कर लेते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आपकी डिग्री इतनी काम नहीं आती है जितने आपके स्किल्स काम में आते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप डिग्री करके बैठ जाएंगे, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप उतना साफ बोल नहीं पाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप रेडियो जॉकी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, रेडियो में और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं, ये होता है। नहीं, लेकिन अगर बोल नहीं पाते हैं तो इंसान ने ऐसा एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लो किसी का सपना है कि मेरी आवाज है वो पूरे मेरे रीजन ने तो एटलीस्ट सुननी चाहिए मेरी आवाज, तो उसके लिए उस आदमी ने अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए? आपने खुद ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए थे खुद में जब आप रेडियो जी जॉकी देखिए, का एम्बिशन लेके बाहर? सबसे पहले तो जो हर किसी के मन में, जब कोई अपनी आवाज रिकॉर्ड करके खुद ही सुनता है या फोन की भी रिकॉर्डिंग सुन लेता है, तो हर किसी के मन में जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि यार मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है कि मैं रेडियो जॉकी बन जाऊं। तो मैं आपको बताऊं कि हर आवाज अच्छी होती है, कोई भी आवाज बुरी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि आवाज के साथ साथ आप किस तरीके से बोल रहे हैं वो बहुत डिपेंड करता है। आवाज आपकी कैसी भी हो चलेगा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं आप कोई प्रोनंसिएशन में तो गड़बड़ नहीं कर रहे, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग आपको सुन भी रहे हैं वो आपको आपकी आपके लिए कोई एस्पिरेशनल वैल्यूज रखते हैं, वो आपको किसी एक स्टेचर पे देखते हैं कि भाई आप जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों को लीड कर रहे हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, ठीक है। तो अगर आप ही गलत भाषा बोलेंगे या गलत प्रोनंसिएशन करेंगे तो फिर वो एक इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं जाता है, और जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं फिर उनको लगता है कि अच्छा बोला ही ऐसे जाता है, शायद इस शब्द का प्रोनंसिएशन ही ये है। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाषा बहुत जरूरी है और आपके प्रोनंसिएशन बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी रेडियो जॉकी कभी बन ही नहीं सकता, कभी भी ये हार नहीं माननी है। इवन जब मैंने भी करियर शुरू किया था तो मैंने पहली बार जो छोटे फोन चलते थे ना उस टाइम पे, तो ये इतने बढ़िया फोन भी नहीं होते थे, तो वो जब नई नई वॉइस रिकॉर्डिंग आई थी जिसमें क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग भी नहीं होती थी, बड़ा नॉइस आता था, तो उसमें रिकॉर्ड करके मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा कभी, बहुत गंदी आवाज है मेरी, इस तरीके से मुझे लगा। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की और रिकॉर्ड करता गया, कुछ रेडियो स्टेशन में गया। जनरली लोग इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं ऑलरेडी स्टेज शोज वगैरह करता था, होस्ट करता था, एंकरिंग करता था, तो मुझे मौका मिला। फिर मैंने जब एक एक बहुत जरूरी चीज रेडियो जॉकी बनने में क्या होती है, ये आप कितना अच्छा बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना अच्छा सुनने वाले हैं। आप अगर रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आप कुछ रेडियो जॉकीज को सुने, कुछ रेडियो स्टेशंस को सुने, तो सुनने से आपको बहुत पता चलता है कि अच्छा किसी बात को रखने का क्या क्या तरीका हो सकता है। हो सकता है ना कि कोई कोई खबर है जो हो सकता है मैं किसी और अंदाज में बोलूं, कोई और रेडियो जॉकी है वो कोई किसी और अंदाज में बोले और उसका अंदाज लोगों को पसंद आ जाए। तो अंदाज बहुत डिपेंड करता है कि आप किस अंदाज में बोल रहे हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसे जैसे आप सुनते हैं तो रेडियो सुनने से ही सीखते हैं, जितना आप लोगों को सुनेंगे, जितना किसी को बोलते हुए सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं इस शब्द को ऐसे बोलता हूँ, शायद मैं गलत बोलता हूँ, ये रेडियो जॉकी है ये सही शब्द बोल रहा है, इस तरीके से बोला जाता है। जैसे कई लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो शा को सा बोलते हैं, ठीक है, या फा को फा बोलते हैं, और उनको कभी रियलाइज भी नहीं होता कि वो शा को सा बोल रहे हैं। तो ये कब रियलाइज होगा, जब आप खुद को सुनेंगे रिकॉर्ड करके और दूसरों को सुनेंगे कि वो इसी शब्द को कैसे बोल रहा है। जैसे हो सकता है कि एक रेडियो जॉकी उस शब्द को शक्ति बोल रहा हो, लेकिन एक जो आम लड़का है जो रेडियो जॉकी बनना चाहता है वो उसको शक्ति बोल रहा है, तो अब उसको समझ में आएगा कि शक्ति नहीं शक्ति बोलते हैं। तो ये फिर अब क्योंकि अब ये बचपन से आदत पड़ी हुई है कि अब अगर कोई बच्चा है और वो बड़ा हो रहा है और उसका उसके एरिया का माहौल ऐसा है या घर में माहौल ऐसा है कि हर कोई ही शाह को साह बोलता है, तो वो भी बचपन से शाह को साह बोलेगा, और फिर वो गलती पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोगों को रियलाइज नहीं होता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ।
तो इसलिए सुनना जरूरी होता है कि जब आप सुनेंगे लोगों को वही शब्द बोलते हुए तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये शब्द जो है इस तरीके से सही प्रोनंसिएशन इसका होता है। ये आजकल तो इंटरनेट हो गया है तो आप गूगल पे भी सर्च करके प्रोनंसिएशन सीख सकते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आजकल हर शब्द का प्रोनंसिएशन आपको गूगल पे मिल जाता है। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आपका भाषा पे कमांड होना बहुत जरूरी है, भाषा की आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने खुद को सुनना है, तभी आप रेडियो जॉकी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही है आपको तो आप नहीं बन सकते, आप बन सकते हो। लेकिन और एक लोगों के मन में धारणा है कि जो लोगों की शक्ल पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता वो लोग रेडियो जॉकी में करियर करना चाहते हैं, ये एक मुद्दा आता है। और जब आप पहली बार आप वीडियो फेस करें तब आपके मन में क्या धारणा थी? जी देखिए, जब मेरे टाइम पे जब जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था, तब वाकई ऐसा था कि शक्ल वाला भी नहीं, थोड़ा सा ऐसा था कि चलिए यहाँ पे मैं किसी को दिखूंगा नहीं, मैं अपनी दिल की बात बोल दूंगा, मुझे किसी को फेस नहीं करना है। क्योंकि पब्लिक फेस करना एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं होता है, एक फोबिया होता है और वो हर किसी के मन में होता है। कोई अगर रेडियो में भी करियर शुरू करता है तो शुरुआत में उसका माइक के सामने भी फोबिया रहता है। जैसे वो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ अगर मैं नया नया रेडियो में आऊँ, लेकिन जैसे ही मेरे आगे माइक लग गया तो मैं कहीं ना कहीं वो एक हेजिटेशन रहता है, वो चीजें रहती हैं कि मैं यहाँ से जो बोलूंगा ये पूरा शहर सुनेगा, तो वो हेजिटेशन रहती है जो टाइम के साथ जाती है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप घुलेंगे मिलेंगे और फिर जिस तरीके से जनता से रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती है। अब मैं वीडियो पे आता हूँ, तो अब रेडियो के पीछे बोलना आसान तो वो भी नहीं है, वो भी कठिन है। लेकिन क्या होता है कि अब वीडियो में आ जाते हैं, मैं ये मानता हूं कि रेडियो पे बोलना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि लोग वहां आपको देख नहीं रहे, आपके एक्सप्रेशन नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किस भाव से बोल रहे हैं, किस फीलिंग से बोल रहे हैं। वो सिर्फ आपकी आवाज सुन के आपकी फीलिंग समझते हैं कि अभी आप खुश हैं या आप गुस्से में हैं या आप उदास हैं, जो भी है वो सिर्फ आपकी फीलिंग आपकी आवाज से समझ रहे हैं। वीडियो मुझे लगता है कि आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन भी हैं, तो आप अपने चेहरे से भी एक्सप्रेस कर पाते हो किसी चीज को। हो सकता है कि कई बार आप कुछ बोलो नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन दे दो, उससे ही बात समझ में आ जाती है। रेडियो से वीडियो में आना इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आदत वही हो जाती है कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ बस वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि शुरुआत में जरूर जब रेडियो जो आरजेस हैं ट्रांजिशन हुआ डिजिटल पे आने लगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस रहती थी, लेकिन वो भी विद टाइम जो है एक्सपीरियंस से सब कुछ चेंज होता जाता है। तो हो सकता है कि शुरुआत में लोगों को परेशानी आती हो, लेकिन फिर वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मान लो कि जैसे आपने बोला आपने भाषा पे कमांड लानी है, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली, अब मैं चाहता हूँ मैं रेडियो में मुझे जॉब करना है, तो ये ओपनिंग हमें कहाँ मिलती है? क्या naukri.com या फिर जॉब पोर्टल पे मिलती है ओपनिंग? कैसे होती है ये ओपनिंग जॉब की? इसमें रेडियो में नौकरी पाने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सोचो कि मैं इस जगह पर चला जाऊं या इस पोर्टल पे चला जाऊं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज रेडियो का ये है कि हिंदुस्तान में बहुत गिने चुने रेडियो स्टेशंस हैं, हालांकि हैं बहुत सारे, लेकिन आप जिस तरीके से अगर देखें ना कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उनके कंपेरिजन में रेडियो स्टेशंस बहुत कम है, नौकरियां भी बहुत कम है, ठीक है। अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे तो आप गिन सकते हैं कि कितने रेडियो जॉकीज हैं, ऐसा नहीं है कि अनगिनत हैं। बाकी जैसे नौकरियों में होता है कि आपको बहुत सारी पोजीशंस मिलती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, रेडियो में क्या होता है कि रेडियो जॉकीज की जो पोजीशन होती है वो बहुत कम निकलती है, निकलती भी है तो लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, और मिलती भी उनको है जो बहुत टाइम से इसी स्ट्रीम में लगे हुए हैं, जो काफी रेडियो स्टेशंस में इंटर्नशिप कर चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रेडियो में अब ऐसा हो गया है कि पहले तो फ्रेशर्स को बहुत मौका देते थे, अभी भी कुछ रेडियो स्टेशंस हैं जो फ्रेशर्स को मौका देते हैं, मल्टीपल राउंड होते हैं ऑडिशंस के, सब कुछ होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जिसने काम नहीं भी किया हो तो कम से कम किसी रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप की हो, ताकि उसे रेडियो का माहौल पता हो, रेडियो में काम करने के तौर तरीके पता हो कि किस तरीके से बोलते हैं क्या करते हैं। क्योंकि अब ये मीडियम जो है इतना फास्ट हो गया है कि अब किसी के भी पास टाइम नहीं है कि वो रुक के उसको सिखाए नौकरी पे रख के कि अब ऐसे बोलना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, तो लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किसी को हो, मतलब काम का नहीं हो तो एटलीस्ट इंटर्नशिप का हो, ठीक। बाकी नौकरी करने का, रेडियो में नौकरी करने का सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि आप जिस शहर में हैं अगर वहां रेडियो स्टेशन है तो आप वहां जाकर इंटर्नशिप करिए, थोड़ा रेडियो सीखिए, ठीक है। इंटर्नशिप के दौरान ही कई लोगों की नौकरियां लग जाती हैं क्योंकि किस्मत भी कई बार काम करती है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं और उसी वक्त उसी स्टेशन में कोई जगह खाली हो गई तो आपको जगह मिल जाती है, कई बार ऐसा भी होता है, ठीक
या फिर कई बार आपको हो सकता है कि naukri.com पे भी कुछ ओपनिंग्स मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको लिंक्डइन पे भी कई ओपनिंग्स मिल जाए, कहीं पर भी आपको रेडियो की ओपनिंग मिल सकती है। लेकिन सिंपल तरीका जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना इंटर्नशिप करेंगे जिस जगह पे आप नौकरी करना चाहते हैं वहां इंटर्नशिप करें, लोगों को जाने पहचाने, थोड़ा समझें, तो फिर वो आसान हो जाता है। फिर रिक्रूटर भी उसी नजर से देखता है कि चलो तुमको माहौल पता है, सब कुछ पता है, तो फिर वो उसी हिसाब से करता है। जैसे मुझसे कभी भी कोई पूछता है भाई मैं क्या करूं, मुझे रेडियो में आना है, तो मैं ज्यादातर यही जवाब देता हूँ कि सबसे पहले तो इंटर्नशिप करो किसी रेडियो स्टेशन में, थोड़ा समझो कि किस तरीके से काम होता है ताकि आसानी हो आगे अंदर जॉब पाने। इसका मतलब आपने भाषा पे कमांड ली, जॉब ढूंढा, लेकिन आपको फॉर्मल ट्रेनिंग कभी नहीं मिलेगा। ये जो है आपने खुद की उन्नति जो है, ग्रोथ जो है, वो खुद ने खुद ही करनी है। आपको उसमें कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं करते चलेगा, राइट। लेकिन आप जॉब करने, मान लो मेरे को जॉब लग भी गया, तो क्या मैं जब बोलता हूँ एज अ रेडियो जॉकी, तो मुझे कुछ स्क्रिप्ट दी जाती है बोलने के लिए कि कैसे होता है ये? आप जब काम करते हो तो कैसे करते हो? ये देखिए, काम करने के तरीके अब वो भी अलग अलग हैं कुछ रेडियो स्टेशन। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस शहर में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी बड़े शहर में काम कर रहे हैं, बड़े रेडियो स्टेशन में हैं, काफी छोटे रेडियो स्टेशन भी होते हैं जो कि लोकल लेवल पे ही काम कर रहे हैं सिर्फ, तो वहां बजट के इश्यूज हो जाते हैं। वरना अगर आप किसी बड़े रेडियो स्टेशन में, तो आपको रेडियो जॉकी के साथ एक प्रोड्यूसर भी मिलता है। अब यहाँ प्रोड्यूसर का मतलब वो पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर नहीं है, यहाँ प्रोड्यूसर है कि जो शो प्रोड्यूसर होते हैं कि जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, है ना। तो वो आपको कंटेंट तैयार करके देते हैं कि हाँ ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको वही गाइड करेंगे कि कंटेंट देना है, उसमें भी आरजे बताता है कि मुझे इस तरीके का कंटेंट लेना है या मुझे कल इस बारे में बात करनी है। अब उसको लेकर जितनी रिसर्च है, डिटेलिंग है, वो प्रोड्यूसर करता है बैठ के। अब कई आरजे जो होते हैं जब आप नए आते हैं इस इंडस्ट्री में, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई पूरी अपनी स्क्रिप्ट लिखें, एक दो बार प्रैक्टिस करें, तब जाकर उसको आप शो पर बोलें। अब फिर विद टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको अगर पॉइंटर्स भी पता होते हैं कि अच्छा मुझे इस बारे में बात करनी है, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आप उस फ्लो में आ जाते हैं कि आप उस चीज को करके निकाल देते हैं। ऐसी कोई ज्यादा जरूरत स्क्रिप्ट की नहीं, ऐसी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती है फिर पूरी। अच्छा, मतलब रेडियो जॉकी के लिए कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती, वो अपने मन से करते हैं। प्रोड्यूसर जो आपको कंटेंट देता है, वो कंटेंट पे आपको लाइंस बनानी है और रियल टाइम बोलनी है, स्पॉन्टेनियसली बोलनी है। तो स्पॉन्टेनियसली बोलते हुए अगर आप फंबल हो गए, तो वो सिचुएशन हाँ, कैसे मैनेज होती है? देखिए अब ये जिस तरीके से रेडियो इवॉल्व हुआ है, पहले जरूर ऐसा होता था कि अगर फंबल हो गए तो वो मतलब दुनिया की कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा हो जाता था। हो सकता है कि आपको ऑफिस में एक दो लोग आकर टोक दें कि अरे तुमने फंबल कर दिया। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है, सुनने वाले भी बदल गए हैं, इवॉल्व हो गए हैं दिमागी तौर पे, अब समझने लगे हैं कि रेडियो कैसे काम करता है। तो अब रेडियो जॉकीज भी इतने स्मार्ट हो गए कि कुछ फंबल हो जाता है तो कई बार वो खुद पे ही हंस देते हैं कि अरे यार मैंने क्या बोल दिया, फिर आगे शुरू कर देते हैं, या उसी फंबल में ही क्रिएटिवली कुछ ट्विस्ट डाल देते हैं कि मेरे मुझे गलत निकल गया, तुमने सुन भी लिया, ऐसे भी कर देते हैं कई यार जैसे ना। तो वो अपने अपने तरीके से फिर उसको हैंडल करते हैं। फंबल को अब इतनी बड़ी मिस्टेक भी नहीं मान सकते, अनटिल अनलेस कुछ ऐसा ही शब्द बोल दिया जो कि कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करते हैं अपने आप में, तो फिर वो एक बड़ी चीज अच्छा। तो है। आप अगर रेडियो जॉकी का जॉब करने भी लग गए, मान लो आपने 3-4 साल जॉब कर लिया, तो एक टाइम टाइम बाद आपको लगेगा यार ये मोनोटोनस हो रहा है, अब इसके आगे क्या? तो रेडियो जॉकी के आगे क्या करियर होता है? देखिए सबसे पहली चीज जो रेडियो जॉकी इस प्रोफेशन की खास बात है और अच्छी बात है कि ये जॉब आपको कभी भी मोनोटोनस नहीं लगेगी। अच्छी चीज ये होती है क्योंकि आपको हर दिन कुछ नई बात करने के लिए है, हर दिन आप कुछ नया कर रहे हैं। अब तो रेडियो जॉकीज बहुत ऑन ग्राउंड भी जाते हैं, इवेंट्स में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, डिजिटल वीडियोस भी बना रहे हैं, तो अब हर दिन आप कुछ नया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोनोटोनस लाइफ तो नहीं लगती है किसी हद तक। हाँ, अब आप बिल्कुल ही मतलब कभी ऐसा हो जाए कि बहुत टाइम बीत गया है, मोनोटोनस लगने भी लगा, काफी रेडियो जॉकीज ये भी करते हैं कि काफी टाइम तक वो आरजेइंग करते हैं, उसके बाद या तो कई बार प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं, या फिर कई बार वो कोई किसी कोई क्रिएटिव एजेंसी डाल लेते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि रेडियो रेडियो स्टेशंस में भी अलग अलग और भी प्रोफाइल्स होती हैं जो बैक एंड पे काम करती हैं, जैसे कि कंटेंट टीम होती है, नेशनल कंटेंट टीम्स होती हैं। रेडियो स्टेशन में एक प्रोग्रामिंग हेड भी होता है जो पूरे स्टेशन की प्रोग्रामिंग देखता है कि पूरे दिन क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जिसमें नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती है। उसमें आपको नॉलेज चाहिए, उसमें आपको चाहिए कि भाई आपको रेडियो की समझ होनी चाहिए कि मेरे स्टेशन पे क्या सुनाई देना चाहिए क्या सुनाई नहीं देना चाहिए। तो ये बैकएंड की जो टीम होती है ना, इसका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट होता है रेडियो जॉकीज के साथ साथ।
तो अगर किसी को मोनोटोनस लगने भी लगता है तो फिर वो कोशिश करता है कि चलिए अब मैं कोई नई प्रोफाइल ट्राई करता हूँ, तो वो भी लोग करते हैं। मतलब एक प्रोग्राम अगर रेडियो पे आ रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक रेडियो जॉकी का हाथ नहीं है, उसके पीछे होते प्रोड्यूसर, प्रोग्रामिंग हेड होते हैं, और कौन कौन होते हैं उसमें, देखिए कितने लोग होते रेडियो में मैं आपको हैं? बताता हूँ कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोर डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है आपकी प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट। प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट मतलब होता है कि उसका हेड होगा प्रोग्रामिंग हेड, जो कि पूरा उस स्टेशन का साउंड, स्टेशन की प्रोग्रामिंग हेड कर रहा होगा। उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि आरजे क्या बोल रहा है शो में, सुबह वाला आरजे क्या बोल रहा है, दोपहर वाला क्या बोल रहा है, शाम वाला क्या बोल रहा है, उसको जानकारी होनी चाहिए आइडियली, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि ये स्टेशन मेरा जो है मेरे जिम्मेदारी पे दे रखा है वो कैसा साउंड करेगा। तो ये प्रोग्रामिंग हेड का काम होता है। आरजेज होते हैं, आरजेज के साथ साथ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि आरजे को हेल्प कर रहे होते हैं शो में। उसके साथ साथ प्रोमो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जिनको हम साउंड इंजीनियर भी कहते हैं, जिनका काम होता है कि आरजे के शो का प्रोमो बनाना है। तो जैसे आरजे ने शो में कोई बात बोली, अब उसका प्रोमो पूरे दिन चलेगा, तो वो साउंड इंजीनियर्स भी काम करते हैं, वो भी प्रोग्रामिंग टीम का हिस्सा होते हैं, है ना। जिनका काम होता है प्रोमो बनाना या आरजे के शो के लिए कोई जिंगल बनाना है, आरजे का जिंगल बनाना है, कुछ भी करना है, कोई भी प्री पैकेज चीज है जो कि आप लाइव नहीं कर सकते, उसको पहले ही आपको बना के रखना है, पैकेज करके रखना है, तो वो साउंड इंजीनियर्स का काम होता है, प्रोमो प्रोड्यूसर का काम। मतलब एक प्रोग्राम के पीछे कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं, ऐसा मुझे लग करेक्ट रहा करेक्ट है करेक्ट। ना? और ये सिर्फ मैंने आपको एक डिपार्टमेंट बताया है, इसके साथ साथ बाकी भी डिपार्टमेंट्स का काफी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट, क्योंकि आरजेज लाइव हैं, 24 घंटे रेडियो स्टेशन लाइव रहता है, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट को भी, आईटी टीम को भी 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है कि भाई कहीं कभी कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच ना आ जाए, या कभी कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो हमारा कंसोल होता है उसके फेडर्स होते हैं जिनको हम ऊपर करके बोलते हैं, तो कहीं उसमें कभी कोई इशू ना आ जाए, या अचानक से इंटरनेट या वाईफाई बंद ना हो जाए जिसकी वजह से आरजे को कंटेंट ना मिले। हो सकता है कि वो कुछ फेसबुक पे ही पढ़ के अभी बोलना चाह रहा हो कि उसने कुछ फेसबुक पे देखा है, ट्विटर पे देखा है। तो ये सारी चीजों के लिए बैकअप में आपकी आईटी टीम भी पूरे टाइम एक्टिव रहती है कि कभी भी रेडियो जॉकी को जरूरत पड़ जाए तो वो वहां पर हो। इसके अलावा फिर सेल्स टीम होती है, जो रेडियो पे आप एड सुनते हैं वो सेल्स टीम की जिम्मेदारी होती है, वो जाकर पिच करते हैं, जो भी करते हैं, मार्केटिंग ठीक है। क्लाइंट सॉल्यूशन टीम होती है, रेडियो पर जो आप एड सुनते हैं उसके लिए अलग से क्लाइंट सॉल्यूशन टीम होती है। जैसे किसी क्लाइंट का ब्रीफ आया कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं इसके बारे में एड बनवाना चाहता हूँ, आपके रेडियो स्टेशन पे चलाना चाहता हूँ, तो क्लाइंट सॉल्यूशन टीम जो होती है वो उनके लिए फिर एड लिखेगी, फिर उसको बनवाएगी, उनको सुनाएगी, फिर वो हम रेडियो पे ऑन एयर करते हैं। तो ये सारी टीम, फिर मार्केटिंग टीम होती है, आप देखते होंगे कि रेडियो स्टेशन के होर्डिंग लगे होते हैं काफी जगह, आरजेस के होर्डिंग लगे हैं, तो या टाई अप्स होते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कई रेडियो जॉकीज न्यूज चैनल पे आ रहे हैं या कई न्यूज चैनल के प्रमोशन हो रहे हैं, तो ये सारा मार्केटिंग का काम होता है, जितना भी जितने ब्रांडिंग का काम होता है वो मार्केटिंग से काम। लेकिन ये करियर में कभी सैचुरेशन पॉइंट आता है क्या, जैसे एक्टर्स के जिंदगी में आता है? एक कोई हीरोइन है, 30 के बाद काम नहीं कर सकती है, जो हीरोइन लीड हीरोइन हीरो है, करते हैं 50 तक करते हैं, लेकिन वैसे ही आपके इसमें कुछ उम्र का तकाजा रहता है क्या? ये उम्र के बाद जैसे जवान है तो एनर्जेटिकली आवाज बाहर निकलती है, लेकिन जैसे जवानी धीरे धीरे उतरती जाती है, तब क्या होता है रेडियो जॉकी के करियर का? देखिए ये मैं मानूंगा कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किसका सेचुरेशन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। और उम्र की बात रही तो देखिए उम्र तो ऐसा है कि हर उम्र का इंसान रेडियो जॉकी रह चुका है। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं, वो भी एक तरीके की रेडियो जॉकी, ठीक है ना। तो उम्र का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता है, जब तक आप अच्छा बोल रहे हैं, जब तक आपका इंटरेस्ट है, आपका मन है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को उम्र के साथ ऐसा लगने लगता है कि अब मुझे नहीं करना है, या मैं उतना इनपुट नहीं दे पाऊंगा, या मैं उतना एनर्जी नहीं डाल पाऊंगा, तो वो अपने मन से छोड़ दे या कुछ कर दे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि नहीं कर सकते। और रेडियो जॉकी के करियर में जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है कि मैं मैनेजर बना, फिर डीजीएम बना, जीएम बना, सीएफओ बना, ऐसे हमारे करियर में लाइन फिक्स है, आपके करियर में क्या लाइन फिक्स है? रेडियो जॉकी के बाद ऊपर क्या होता है, प्रमोशन मतलब क्या होता है आपका? देखिए अब इसमें भी ना दो स्ट्रीम है रेडियो रेडियो में भी, एक है फ्रंट एंड वाली, फेस वाली। रेडियो जॉकी जो होता है वो स्टेशन का फेस होता है, तो वो फेस हमेशा रहेगा। अब उसकी क्या ग्रोथ क्या है, बस वो ये है कि वो उसी स्टेशन पे लगातार बना रहता है, उसकी ग्रोथ ये है कि वो कभी टीवी पे भी दिख रहा है, इंटरनेट पे भी दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फिक्स्ड पोजीशन है।
कि उससे ज्यादा ग्रोथ क्या हो सकती है, आप एक रेडियो स्टेशन का फेस है। वहीं जो बैकएंड की टीम होती है कि एक प्रोड्यूसर होता है जो काफी टाइम प्रोड्यूसर रहता है, फिर उसको काफी नॉलेज हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, जब लगता है कि इसमें कैपेबिलिटी है कि अभी सिर्फ एक शो नहीं पूरा स्टेशन संभाल सकता है ना, पूरे पूरे दिन की प्रोग्रामिंग संभाल सकता है, तो उसका प्रमोशन होगा, वो प्रोग्रामिंग हेड बन जाएगा। फिर हो सकता है कि वो थोड़ा और काम करे और एक्सपीरियंस गेन करे, कि लग रहा है कि अच्छा अब ये एक स्टेशन नहीं, अब ये तीन चार स्टेशन मिलके संभाल सकता है, तो वो रीजनल प्रोग्रामिंग हेड हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद एक्सपीरियंस के साथ होगा कि अच्छा चलिए अब आप तीन चार स्टेशन संभाल रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस भी काफी हो गया, अब आप हो सकता है कि आप 10 स्टेशन संभाल सकें तो आप जोनल प्रोग्रामिंग हेड हो जाएंगे। फिर 10 के बाद आपको लगेगा कि और भी कर सकते हैं, मैं पूरे इंडिया के संभाल सकता हूँ, आप नेशनल प्रोग्रामिंग हेड भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है कि ये बढ़ता रहे। रेडियो जॉकी करते करते आपने कंटेंट रिलेटेड भी काम करते रहना चाहिए, इन शॉर्ट वैसा कहना है। धीरे धीरे आपको फिर ग्रोथ उस एरिया में ज्यादा मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं रेडियो जॉकी बहुत फेमस होते हैं, जैसे मलिष्का हो गई है ना, मलिष्का ऐसे फेमस हो गए, तो उन्होंने एक्सेप्शनल क्या काम किया था कि वो इतने फेमस हो गए इंडिया में, बाकी के रेडियो जॉकी कंपैरेटिवली कम फेमस हुए। क्या होता है, मतलब क्या करना पड़ता है आपको, एक्सेप्शनल ऐसा कौन सा काम होता है जो करना पड़ता है, जैसे आपको हम देखते हैं बॉलीवुड स्पाई में, वैसे हर आरजे हमें दिखता नहीं है सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव। देखिए ये क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है, तो क्रिएटिव फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कितना सोचते हैं, क्योंकि एक दिशा में पहला थॉट तो हर किसी के दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं पानी देखूंगा तो मुझे पता है कि पानी को पी सकते हैं, ठीक है, पानी से हाथ धो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होता है कि नहीं यार ये पानी है ना, मैं इससे तो मतलब इसको ऐसे दीवार पे फेंक के पेंटिंग भी बना सकता हूँ। समझ रहे हैं आप, अगर चार लोगों को पानी दिया जाए, कोई पी ले, कोई कुछ कर ले, किसी ने दीवारों पे एक के पेंटिंग बना दी, तो आप वो पेंटिंग वाले को ही गौर करेंगे कि अरे तुमने पानी से क्या कर दिया। समझ रहे हैं, तो वो वाली चीज है कि आप कितना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जनता को क्लिक कर जाए, है ना, कि जनता बोलेगी यार ये तो कमाल ही कर दिया। और साथ में एक्सपोजर पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप देखिए मलेशिया, क्योंकि मुंबई में रेडियो जॉकी है, ठीक है, तो मलेशिया के पास एक्सपोजर ज्यादा है, मलेशिया सेलिब्रिटीज के भी इंटरव्यूज ले रही हैं, मलेशिया आपको किसी मूवी में भी दिख जाएंगी क्योंकि वो मुंबई में है, वो मलेशिया आपको किसी टीवी शो में भी दिख जाएंगी। अब अगर वो किसी छोटे शहर का रेडियो जॉकी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी भी शहर का ले लीजिए, भोपाल, इंदौर, नागपुर, तो उसके पास इतना एक्सपोजर नहीं है। हालांकि अब सोशल मीडिया आ गया है तो अब हर किसी के पास एक्सपोजर है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी आरजे राघव की बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं, ठीक है, तो अब क्योंकि सोशल मीडिया है, अब आप जितना आउट ऑफ द बॉक्स जितनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं करिए, अब तो जनता आपके इंतजार में बैठी है कि आप कुछ अच्छा करेंगे और हम आपको पलकों पर बिठा लेंगे, सर आंखों पर रखेंगे, और वही हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब सिर्फ रेडियो जॉकीज ही नहीं, अब जब से सोशल मीडिया आया है अब से हर कोई स्टार बन सकता है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप स्टार बन सकते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, आपको जनता जान सकती है, आपको अलाउड है कि रेडियो जॉकी का काम करते करते आप वीडियो बना सकते हो और पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, उसमें आपकी कोई बंदिश नहीं है, ऐसा है ना जी? ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, रेडियो स्टेशन टू रेडियो स्टेशन वेरी करता है, ब्रांड टू ब्रांड कि उन्होंने किन क्लॉजेस पे आरजेएस को साइन किया हुआ है या रखा हुआ है ना, तो वो हर किसी के अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, हर किसी का अलग तरीका होता है काम करवाने का, तो वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड कि वो किस तरीके से काम करवा रहे हैं अपने रेडियो जॉकी। अपन आते हैं फिर फाइनली स्कोप ऑफ रेडियो जॉकी, आप जब काम करते हो तो आपका स्कोप क्या है, कौन से बातों पे आप बात कर सकते हो, कौन से मुद्दे आप रेडियो जॉकी एज अ बोल सकते हो, क्या न्यूज दे सकते हो, क्या कुछ एक्सीडेंट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो क्या उस बारे में आप बोल सकते हो क्या रेडियो पे, क्या होता है, क्या स्कोप है आपके काम का? देखिए काम का स्कोप मैं आपसे कहूं तो एक दो लिमिटेशंस हैं मेरे ख्याल से, वो अब तो हर कहीं हैं कि आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेटिंग बातें नहीं कर सकते हैं, लाइक रेसिज्म हुआ या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते जहां आप किसी को डिमीन कर रहे हैं या डिफेम कर रहे हैं, वो सारी बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे देश में। इसके अलावा यह है कि स्कोप अब तो बहुत कुछ है, हालांकि पहले तो शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि रेडियो को न्यूज बोलने की आजादी नहीं थी कि आप न्यूज या खबर वर्ड का इस्तेमाल करें, हालांकि बातें तब भी हो जाती हैं अपडेट बोल के। और रेडियो की जो सबसे बड़ी ताकत मुझे लगती है कि एक ऐसा मीडियम है जो कि आपको ना इमरजेंसीज में बहुत काम आता है,
जैसे कई बार हमने देखा है कि कहीं फ्लड आ गया, कुछ आ गया, या कहीं बहुत बारिश हो गई, आपके टीवी सिग्नल्स चले गए, मोबाइल नेटवर्क चले गए, लेकिन तब भी उस वक्त भी आपका रेडियो आ रहा होता है। तो काफी ऐसे भी हुए कि केरला में जब फ्लड आया था, या जो या आपका ओडिशा में जब वो एक कौन सा तूफान आया था, तो उस वक्त रेडियो स्टेशन ने बहुत काम किया, और सबसे रिलेवेंट रेडियो स्टेशन ही रहे जहां पर रेडियो स्टेशन जानकारी भी दे रहे थे, अपडेट्स भी दे रहे थे, लोगों की मदद भी कर रहे थे, लगातार टोल वो जो हेल्पलाइन नंबर्स थे उनको फ्लैश कर रहे थे, बार बार बोल रहे थे। तो ऐसे मौकों पे रेडियो बहुत काम आता है। ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट होता है रेडियो का, कि बहुत आसानी से, मतलब इतनी जल्दी आप वो कनेक्शन नहीं तोड़ सकते हैं रेडियो का, जब लोकल हेल्प चाहिए होती है कहीं ना कहीं। ठीक, इसके अलावा कुछ और लिमिटेशंस यही होते हैं कि आप ज्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते हैं, या पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान में भाई पॉलिटिक्स तो सर सबसे ऊपर है। तो अगर आपने किसी के सेंटिमेंट्स छेड़ दिए तो वो बात का बवाल बनेगा, कंट्रोवर्सी कोई हो जाएंगे। आपकी एग्री हो गए, हाँ वो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन चीजों पर ध्यान रखा जाता है। हालांकि आरजेज अगर वो अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके से हैं कि वो अपने ब्रांड से एसोसिएटेड नहीं है, तो वहां पर वो कुछ भी बात करें तो वो एक बार के लिए चल जाता है, लेकिन पर्सनल इस तरीके व्यू से नहीं रेडियो ले सकते रेडियो हो, नेशनल लेवल पे आप ऐसी बातें नहीं कर सकते हो जिससे रिलीजन्स या फिर कोई सेंटिमेंट्स हर्ट हो किसी को। हाँ, बाकी राइट सारी राइट, चीजें आप बोल सकते हो, जो भी आपके मन में है वो आप रैंडमली बोलते जाते हो, ऐसा है रेडियो जॉकी का जॉब। जी तो अभी फाइनली मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जो आप रेडियो स्टेशन पे जिस तरीके से आप बोलते हो, 1 मिनट का मैं सुनना चाहता हूँ कि कैसे बोलते हो आप। ओके ओके ओके, चलिए मैं किसी रेडियो स्टेशन का नाम नहीं लूंगा कि मैं जिस तरीके से बोलता हूँ। बराबर। तो मेरा ये था कि हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंकुर और आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, राकेश जी मेरे साथ हैं और राकेश जी के साथ मेरा बहुत ही खूबसूरत सा इंटरव्यू हुआ है। राकेश जी बहुत ही कमाल के इंसान है। राकेश जी की दाढ़ी मुझे बहुत पसंद आई है भाई, एक तरीके का चार्म है राकेश जी की दाढ़ी में, एक बढ़िया डिजाइन है जो कि मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि किसी ना किसी तरीके से रेजर इधर चला के करूं, लेकिन भाई मेरे से रेजर नहीं चलता है, कभी इधर कट लगता है, कभी उधर कट लगता है। तो भाई ये राकेश जी के साथ मिलके मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने सीखा है कि भाई दाढ़ी की अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। आपने खुद बनाई है राकेश जी, या ये आपने हाँ, बाहर से बनवाई? खुद बनाइए घर खुद पे। बनाइए, क्या बात है, कमाल। तो इस तरीके से मतलब वो होता ना, वो फ्लो चलता जाता है कि बातें बनती जाती है, ये हाँ, होता है। मतलब स्पॉन्टेनियसली जो भी आपको दिखे उस पे आप बोलते जाते हो। मतलब रेडियो जॉकी के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मल कोर्स नहीं करना है आपको, भाषा पे कमांड लानी है, आपके एरिया के किसी रेडियो स्टेशन पे आपको इंटर्नशिप करनी है, वहां से एक्सपीरियंस लेना है और किसी बड़े रेडियो स्टेशन को आपको अप्रोच करना है। ये सिंपल सी ट्रिक एग्जैक्टली। अंकुर जी ने अपने को बताई है रेडियो जॉकी बनने एक और के। चीज जिसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि नॉलेज बहुत जरूरी है। आप जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितना अखबार पढ़ेंगे, जितना करंट अफेयर्स में इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो नॉलेज जरूरी है, क्योंकि आप तभी बात कर पाओगे किसी टॉपिक पे या किसी भी इशू पे जब आपके पास उतना ज्ञान होगा कि आप मैच्योरिटी उस पर लगनी बोल चाहिए सको। सुनने वाले को। हाँ हाँ, हाँ हाँ ऐसा वो ना वाला लगे कि चीज, बकवास बातें कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसा ना लगे, राइट राइट कुछ राइट राइट इंटरेस्टिंग राइट, भी बोलता रहे। करेक्ट 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 राइट। तो आपको रीडिंग भी बहुत जरूरी है कि आपकी मैच्योरिटी लोगों को सुनने में आनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया है अपने को अंकुर जी ने। अंकुर जी थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए और आपने हमको एडवाइस दिया, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरे ख्याल से अब ये जो सेशन हुआ है इससे काफी लोगों को मदद मिले तो अच्छा है, फिर मुझे लगा कि चलिए सक्सेसफुल रहा। हाँ, वही वही वही, थैंक यू सो मच।